जो राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये राइट टू हेल्थ जो बिल है ये तो ना तो जनता के लिए अच्छा है ना डॉक्टर्स के लिए अच्छा है। अब कल ही मेरे एक एग्जांपल देता हूँ, किसी की तबीयत ख़राब हुई, वो गए, अब जब ट्रीटमेंट ही नहीं ले पाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट में तो वो आधे घंटे वेट वेट करते एक्सपायर हो गए। तो जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना सकती तो वो कैसे करेगी? और ये ज़बरदस्ती लाद रही है प्राइवेट पे। कभी इंश्योरेंस कंपनी आके किसी का भला किया है क्या? इंश्योरेंस कंपनी को बीच में ले आए, वो भी पैसे खा रहे हैं। तो कभी जनता का भला हो सकता है क्या? जनता को तो सिर्फ पागल। अब 5 लाख से 25 लाख कर दीजिए रणजी में, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर हर साल हर महीने भी कोई ऑपरेशन कराए तो भी 5 लाख का बीमा नहीं उठा सकते, क्योंकि मैक्सिमम पैकेज 50,000 है हर महीने। अगर वो ऑपरेशन कराते हैं तो ही 5 लाख, तो 25 करके क्या फ़ायदा? इधर तो बांध दिया पाँव और इधर बोलते हैं कि हम 25 लाख दे रहे हैं, इधर तो टंकी भर दी है और इधर से खोल रखा है छोटी सी टूटी, तो कहाँ से उसका प्यास बुझेगी? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी सरकार वापस से जो चुनाव को देखते हुए अपना प्रचार कर रही है इस बिल के माध्यम से, वो सब गलत है। इससे जनता को नुकसान है। आज हम डॉक्टर हैं, मैं चाहता हूं कि मैं हेल्प करूं, पर हेल्प करने लाचार हूं। अभी तो हम सोचते हैं कि कोई बीमार परेशानी में है, हम हेल्प करते हैं, पहुंचाते भी सब करते हैं, पर जब हक हो जाएगा तो ये छोटे छोटे जो गुंडे हैं वो आपको परेशान करेंगे कि आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। तो इतने सारे बिल की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से फ्री का है, गवर्नमेंट में फ्री में इलाज है, सब चीज़ है। ये आप ज़बरदस्ती एक 5 स्टार होटल को बोले कि आप जो भिखारी है उसको खा फोकट में खाना खिलाओ, तो कैसे खिला सकते हैं? आप खिला सकते हो बिना एडवर्टाइजमेंट? आप अखबार चला सकते हो? नहीं चला सकते। बिना किसी ये अखबार के पैसे लिए आप फ्री में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। यही सबके साथ है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे कर सकता है? ऐसे क्या होगा, 10 दिन चलेगा, बाद में हाथ ऊँचे कर देगा फिर? मतलब अगर पारित भी होता है तो आप कहना चाहते हो 10 से 20 दिन चलेगा, फिर वापस आपको यही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? चाहे कुछ भी हो यही करना पड़ेगा। अब इतने स्टाफ हैं, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? आप खुद सोचो, इसके लिए पारित हो जो पढ़ाई करके कमा के इतने को इम्प्लॉयमेंट, सब भी इफेक्ट होंगे इससे। नर्सिंग कर्मी इफेक्ट होंगे, मेडिसिन वाले इफेक्ट होंगे, सभी इफेक्ट हो रहे हैं पूरी जनता। यह तो दिखावा है ऊपर से कि राइट टू हेल्थ, नाम ऐसा दे दिया राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अच्छा डॉक्टर्स को हॉस्पिटल को सुविधा देनी चाहिए, उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए, उनको सब्सिडी दे देनी चाहिए ताकि ज़्यादा हॉस्पिटल आए, ज़्यादा वो मिल सके। अब आज सिक्कर बंद है, आंदोलन के चक्कर में किसी को MI आ जाए तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वो वहीं तड़प के मर जाएगा, रास्ते में आते आते मर जाएगा। आज मेरे पास कोई फ़ोन करता है पेशेंट, मैं क्या जवाब दूँ कि यह ऐसा दमनकारी बिल है, तो आप दूसरे स्टेट में जाओ। तो सरकार धरना प्रदर्शन में पूरे राजस्थान से कहां कहां से आए? सब जगह से, झुंझुनू, सीकर, सब अपनी अपनी जगह कर रही है, तो कुछ बहुत कम जगह है, सब अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। अब पूरा नेशनल लेवल पे ये जा रहा है, पूरे IMA हमारे सपोर्ट में है, पूरे नेशनल। अब चाहे जनता कुछ भी समझे, भगवान यानी अपना पेट दुखेगा तो आदमी अपना उसका इलाज करेगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ कितनी जनसंख्या होगी? सर यहाँ कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 7 हज़ार की जनसंख्या होगी। यह तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अब इतना बड़ा पहाड़ है तो ये ऊपर का दिख रहा है, नीचे कितना ये पता नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि धीरे-धीरे अगर पारित हो जाता है, जो भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है ये अब से पॉलिटिशियन का इलाज करना बंद कर देना चाहिए, तब उनको समझ में आएगी कि पीड़ा क्या होती है। डॉक्टर 24 घंटे काम करता है, रात को काम कर रहा है, कौन कर रहा है जो रात को काम कर रहा है? आज प्लम्बर को बुलाते हैं 500 रुपये लेता है, दिन में आता है, कौन सा रात में आ जाता है? पर डॉक्टर रात भर, ये नर्सिंग कर्मी है रात भर काम करते हैं, रात भर, और एक आँखें नहीं चिपकते, उसका ये पारितोष क्या? 500 रुपये 700 रुपये इससे होता है? ये अनवेल्यूएबल है। आज जान की कीमत आदमी कोई चाहे तो कोई 5-7 लाख में जान खरीद सकते हैं, डॉक्टर उस जान को बचाते हैं, इनको उसका मूल्य नहीं पता। जनता को मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने।